हेलो, हाय एवरीवन। लेट्स सी कि हम विजिबल है या फिर नहीं। चल, ग्रेट। हेलो संकेत, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज द अनअकैडमी महाराष्ट्र बोर्ड। आफ्टर लॉन्ग डे अगो हम ले रहे हैं अपना लेक्चर। बहुत टाइम हो गया नहीं लिया है क्लास 9th का लेक्चर। चलिए आज हम कुछ नए नए चैप्टर्स आज पढ़ने वाले हैं, और उसको ये सब बहुत छोटा चैप्टर है तो हम इसे फटाक से कंप्लीट भी कर लेंगे। ओके, तो चलो फिर। सो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इन द क्लास ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है। दिस इज मी नीलिमा रॉय। एज यू ऑल नो कि मैं आप लोगों को सोशल स्टडी पढ़ाती हूँ। सो चलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट टेलीग्राम चैनल थोड़ा ज्वाइन कर लो, क्योंकि तो अपना टेलीग्राम चैनल है, एक है आपके स्पेशली एसएसटी के लिए ऑफ माइन दैट इज की नीलिमा रॉय, एंड आल्सो एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें अनएकेडमी महाराष्ट्र बोर्ड है। ओके, तो यहाँ पे आपके सारे टीचर्स के आपको स्केड्यूल यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। किसी को भी अगर चैप्टर में कोई भी डाउट आए तो प्लीज पूछ लेना। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज द इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एक्चुअल में ये इंडस्ट्री क्या है और ये ट्रेड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो फिर देख ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री? इंडस्ट्री मतलब होता है कि कोई भी चीज, जैसे प्रोडक्शन कहीं पे हो रहा है, दैट इज की इंडस्ट्री। प्रोडक्शन इज एन इंडस्ट्री, बट द बिजनेस, जब आपका जो प्रोडक्शन, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हुई हैं, गुड्स जो से प्रोड्यूस हुई है, वो जब आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हो, एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करते हो, दैट इज अ ट्रेड। अ बिजनेस इज नोन एज ट्रेड, द प्रोडक्शन ऑफ द गुड इज नोन एज इंडस्ट्री, जहाँ पे सामान बनते हैं। हाय शिवानी, फीलिंग बेटर नाउ? ओके, चलिए फिर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू गैदर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस्ट्री एंड ट्रेड इन इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। दैट मीन्स कि हम क्या करने वाले हैं कि जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है, उस टाइम से ट्रेड, जो भी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स की, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। एंड ऑल्सो जो बिजनेसेस इंडिया क्रिएट किया है, ट्रेड जो इंडिया में हो रहा है, उसका इंफॉर्मेशन हम क्रिएट करने वाले हैं। आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन 1948 विद द पर्पस ऑफ मेकिंग एवेलेबल लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। मतलब जब से इंडिया, ना देखो, इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें क्या चाहिए? फाइनेंशियल नीड चाहिए। दैट मीन्स कि फाइनेंशियल हमारे पास उतनी एक बजट होनी चाहिए जिससे हम इंडस्ट्री को ग्रोथ कर सकते हैं। तो इंडिया ने इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने से पहले क्या स्टार्ट किया था? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन स्टार्ट किया था। दैट मीन्स कि कॉरपोरेशन क्या करती थी? सम अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करती थी। किसे प्रोवाइड करती थी? इंडस्ट्रीज को, कि जहां पे भी प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन में भी तो रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल कोई खरीद रहा है तो रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। दैट मीन्स की मनी चाहिए। तो इंडिया ने क्या सोचा कि इंडस्ट्री अगर हमें ग्रोथ करना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बनाना पड़ेगा। सिमिलरली द
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो वो कब हुआ था बच्चा, दैट इज की 1954। एंड व्हाट वर द रीजन कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन आए थे, तो रीजन यही है कि इंडिया को इंडस्ट्री में ग्रो करना था। अब अगर ग्रो करना है, प्रोडक्शन में लाना है, तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए सामान चाहिए भाई, दैट इज कि पैसे चाहिए। पैसे रहेगा तभी तो रॉ मटेरियल आएगा, तभी तो आपका प्रोडक्शन होगा। सो आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज कि आपका जो ये पूरा चैप्टर है इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इस पूरे चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कितने टाइप्स के आपके इंडस्ट्रीज होते हैं एंड कितनी टाइप्स की आपकी ट्रेड होती है। ओके, सो लेट्स सी सम इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हम क्या करने वाले, कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती है वो हम देखने वाले हैं, और वो इंडस्ट्रीज की ट्रेड क्या है, दैट मीन्स कि वो इंडस्ट्रीज किस लेवल पे है एंड उसकी बिजनेस क्या है, वो आज हम देखने वाले हैं। ओके, चल तो लेट सी सम इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहला जो इंडस्ट्री है उसका नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो फर्स्ट इंडस्ट्री इज टेक्सटाइल, सेकेंड इज द स्टील इंडस्ट्री, द थर्ड इज द जूट इंडस्ट्री, एंड फोर्थ इज द हैंड क्लॉथिंग इंडस्ट्री, फिफ्थ इज की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सिक्स्थ इज सीमेंट इंडस्ट्री, सेवेंथ इज लेदर इंडस्ट्री, एट इज बाइसाइकल इंडस्ट्री, नाइन्थ इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, एट इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एंड नेक्स्ट नाइन्थ इज पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड टेंथ मिनरल वेल्थ, इलेवेंथ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ट्वेल्थ फिशरीज, मतलब फिशेज के सेल आउट करके प्रोडक्शन करके जो बिजनेस होता है उसे हम लोग कहते हैं फिशरीज। नेक्स्ट इज की टूरिज्म पे भी आपका इंडस्ट्रीज होता है। नेक्स्ट इज की इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट और द फॉरेन ट्रेड, तो आपकी जो बिजनेस होती है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बेस पे भी होती है, एंड ऑल्सो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड भी हम उसे कहते हैं। तो ये आपके 13 to 14 इंडस्ट्रीज है जो ऑल ओवर नॉट ओनली द इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड पे बहुत ही फेमस है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो वर्ल्ड वाइड में ये बहुत ही फेमस है। ओके, एनी डाउट? चलिए सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी लास्ट है आपका इंटरनल ट्रेड। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे दो एक्सटर्नल इंडस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटर्नल इंडस्ट्री? एक्सटर्नल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? लास्ट स्लाइड, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल इंडस्ट्री? टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है बच्चा, कोई बता सकता है व्हाट इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री? एनीवन जिसे पता हो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, टेक्सटाइल का मतलब क्या है? कपड़े की। परफेक्ट, दैट इज टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़े का इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसे कहते हैं हम? कपड़े का इंडस्ट्री कहते हैं। आज की डेट में आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन से स्टेट को कहा जाता है? वेल नोन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन से स्टेट में है? हम कहते हैं कपड़े का शहर, कौन सा है वो? एनीवन किसी को पता है?
कपड़े का शहर, एनीवन? कौन सी सूरत, गुजरात? हाँ, तो वो टोटली जो स्टेट है वो स्टेट है आपका गुजरात। एंड जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हो, पर्टिकुलर रीजन कह सकते हो, वो है आपका सूरत। सूरत कहा जाता है कपड़ों की नगरी। जैसे आपके मुंबई कहा, क्या कहा जाता है? सपनों की नगरी। वैसे आपका सूरत कहा जाता है कपड़ों का नगरी। ठीक है, अहमदाबाद सूरत, तो दैट मीन्स कि पूरा आपका जो एक गुजरात है उसे कहा जाता है कपड़ों की नगरी। अब देख लो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर्म 14% ऑफ टोटल इंडस्ट्री प्रोडक्शन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा आप कह सकते हो यूज लेवल पे इंडस्ट्री है। 14% इंडस्ट्री ये प्रोडक्शन करती है। ओके, इट इंक्लूड इट ये क्या क्या इंक्लूड करती है बच्चा पार्टी? दैट इज पावर लूम, हैंड लूम, दो टाइप के लूम्स ये प्रोवाइड करती है। पावर लूम मतलब क्या? कि जो भी कपड़े मशीन्स पे बने हैं, दैट इज नोन एज द पावर लूम्स। हैंड लूम्स मतलब क्या हो गया? कि वो एक कपड़े या फिर कोई एक डिजाइन जो आपने हैंडमेड से हुआ है, एक पर्टिकुलर लेबर्स अपने हैंड के थ्रू आर्किटेक्ट किए हैं, कपड़े पे डिजाइन्स किया है, उसे हम लोग कहते हैं हैंडलूम्स। और एक जो आपका मशीन पे जो कपड़ा बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पावर लूम्स। सो हैंडलूम इंडस्ट्रीज आर दी लेबर इंटेंसिव। एज आई सो सेड कि पावर लूम क्या होता है? मशीन्स पे बनने वाले कपड़े। तो मशीन से पे करने कपड़े जो बनते हैं वो 100-100 कपड़े एक बार में बनते हैं। बट आपके जो एक हैंडलूम है वो क्या है? लेबर इंटेंसिव है। दैट इज कि वो पूरा का पूरा कपड़ा डिपेंड किस पे रहता है, बनाने का ऑर्गेनाइज्ड किसका है, बनाने का टेक्निक किसका है, वो पूरा का पूरा ह्यूमन का है। आप देखते होगे दो टाइप्स के आप कपड़े देखते होगे या फिर बैग्स भी आते हैं। एक आपका जो बैग्स आता है, जैसे आप कोई भी बैग्स ले लो, वीआईपी बैग्स ले लो, अमेरिकन टूरिस्ट ले लो, कोई भी हैंड बैग्स ले लो, वहां पे आप देखोगे कि वो पूरा एक वेल फर्निश्ड डिजाइन है। ठीक है, तो वो क्या है? अब कोई एक एक करके बना रहा है क्या? हर एक लेबर एक बैग को देख रहे हैं क्या? नहीं, वो मशीन के थ्रू बन रहा है। बट सेम टाइम पे आपका एक कपड़े का बैग बनता है, आप उस पे बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिजाइन देखते हो। वो अक्सर जो बनाया जाता है बच्चा पार्टी, वो बनाया जाता है हैंडलूम से। जैसे आप, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आपके घर में टेबल क्लॉथ आता होगा। ठीक है, एक टेबल क्लॉथ आता है जो नॉर्मल डिजाइन रहते हैं, आपको देखने से लगेगा कि अच्छा ये तो बनाया गया है इंडस्ट्रीज में मशीन्स के थ्रू। वो आपका जो है एक ही टाइप का जो क्या कहते हैं डिजाइन, वो आपके मशीन्स के थ्रू होता है। बट एक टेबल क्लॉथ आता है जहां पे आपके देखोगे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स यूज किया गया है, एंड देख के ही आप कह सकते हो कि ये हैंडलूम है, क्योंकि उस पे पूरा जो वर्क होता है वो वर्क को देख करके कोई भी डिफाइन कर सकता है, इट इज अ हैंडलूम और इट इज अ पावर लूम। सो दो टाइप के लूम्स होते हैं, एक आपका पावर लूम्स जिसपे मशीन्स के थ्रू कपड़े बनते हैं, और एक बनते हैं आपके हैंडलूम्स। हैंडलूम्स टोटली आपका लेवर पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द टेक्सटाइल कमिटी एक्ट बनाई गई थी 1963 में, जिसमें टेक्सटाइल कमिटी एस्टिब्लिश हुई थी, जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सारे एस्टिब्लिश हुए थे। एक कमिटी सेट्स द इक्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्ड फॉर द सेल इन द इंटरनल मार्केट एज वेल एज द फॉर द एक्सपोर्ट। मतलब कि वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे अभी मैंने कहा कि एक टेक्सटाइल कमिटी एक्ट निकली थी 1963 में, ये लोग क्या करते हैं? ये एक कमिटी है, और ये कमिटी क्या करते हैं? ये अपने एक लेवल का कपड़े बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप नाइकी का शर्ट पहनते होगे, नाइकी का ट्रैक पहनते होगे, शूज पहनते होगे, उसका एक अपना ब्रांड है। दैट मीन्स कि उसका एक अपना एक मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल है। सेम जगह पे आप पहनते होगे HX का, वो क्या है? या फिर कोई भी आप ले लो ब्रांड्स, तो आप उसका पहनते होगे तो उसका एक अपना टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर है। हम कहते हैं कंफर्ट मुझे वो कपड़े में मिलती है, कंफर्ट मुझे वो कपड़े में मिलते हैं। वी आर नॉट एक्चुअल, कंफर्ट इज मैटर, कंफर्ट मैटर करता है, ये मैं मानती हूँ, बट उससे ज्यादा कहीं ना कहीं नाम भी मैटर करता है। अगर आप कह देते हो कि यस मैंने नाइकी का शूज पहना है, तो लोगों के दिमाग में क्या आता है? ओ माई गॉड, ये क्या है? इसका एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है।
वही जगह आप कह दोगे कि मैंने लोकल मार्केट से शूज पहना है, या फिर फर्स्ट कॉपी शूज का कह दो कि हाँ मैंने फर्स्ट कॉपी नाइकी का पहना है, तो आप लोग क्या सोचेंगे, अरे यार ये तो कोई भी खरीद सकता है, ये आम आदमी है। बट जैसे आप कहोगे ओरिजिनल नाइकी, तो कोई लोग क्या सोचेंगे, ओ हो, ये थोड़ा वे ऑफ स्टैंडर्ड इसका रहने का थोड़ा हाई है। ओके, सेम हर एक टेक्सटाइल का अपना एक मैन्युफैक्चर डिसीजन होता है, अपना एक मैन्युफैक्चर क्वालिटी होता है, वो सारे लोग लोकल मार्केट में भी देते हैं एंड ऑल्सो एक एक्सपोर्ट करते हैं हाई लेवल पे भी, हाई लेवल पे भी। ओके, तो ये है आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री। किसी को ऐसा है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं समझ में आया, कुछ पूछना है आपको, एनीवन? एनी वन ऑफ देम? चलो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्री। इतने जो 13-14 टाइप्स के इंडस्ट्री एक एक करके देखना है हमें। चलिए नेक्स्ट इंडस्ट्री जो हमारा है वो है सिल्क इंडस्ट्री। नाम से ही तुम जान रहे हो कि ये एक क्या है, टेक्सटाइल है। बट यहाँ पे जो कपड़े बनते हैं वो टोटली सिल्क के बनते हैं। यहाँ पे जो कपड़े बनते हैं वो किसके बनते हैं, नॉट ऑफ कॉटन, इट्स ओनली ऑफ द सिल्क। सो ये इंडस्ट्री फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मतलब स्किल आपकी जो सिल्क इंडस्ट्री है ये किसके अंदर आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आती है, क्योंकि ये भी एक क्या है, कपड़े की मटेरियल है, तो ये भी किसके अंदर आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। इसमें जो इंडस्ट्रीज अबाउट द स्पीसीज ऑफ द सिल्क वॉर्म, इसमें जो बात होता है, मतलब ये जो इंडस्ट्री है सिल्क वाली, इसके कपड़े थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसका अलग से एक इंडस्ट्री होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कपड़े यूज होते हैं, मटेरियल जो यूज होता है मैन्युफैक्चर के वक्त, वो होता है सिल्क का। कैसे होता है, सिल्क का होता है या फिर मलबर्टी का होता है, मलबर्टी ट्रीज से निकाला जाता है सिल्क, ठीक है। एंड ऑल्सो सेरेबोटिक रिसर्च इसके ऊपर किया जाता है। कहाँ पे होता है ये सेरेबोटिक रिसर्च, ये होता है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे होता है, बेंगलुरु में होता है। तो आप कह सकते हो कि सिल्क के लिए कौन सा जगह फेमस है। तो सिल्क के लिए आप देखते होगे कि कर्नाटका साइड, वहां की वुमेन्स जितनी रहती है वो सिल्क साड़ी बहुत प्रोवाइड करती। क्यों? क्योंकि वो सिल्क साड़ी उन्हें इसलिए पसंद आता है क्योंकि वहां का वो कल्चर है। सिल्क क्या है, उधर का कल्चर है। अब क्यों कल्चर है, क्योंकि सिल्क वॉर्म से क्या निकलता है, सिल्क निकलता है, मलबर्टी से सिल्क निकल के आता है। एंड ऑल्सो सेरेबोटिक रिसर्च होता है आपका सिल्क के ऊपर इन दी बेंगलुरु। तो आप ये कह सकते हो कि आपके बेंगलुरु में सिल्क का बहुत ही ट्रेडिशन है, इसलिए कर्नाटका के पीपल्स, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे सिल्क बहुत ही फेमस है। हम एक हर एक जगह का ना, जैसे आप सूरत कहते हो ना, सूरत, तो सूरत में ना कॉटन बहुत ही फेमस है। सूरत में आप कहोगे तो कॉटन बहुत ही फेमस है कि वहां पे कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। सेम कंपैरिजन में आपका जो सिल्क है वो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड जम्मू कश्मीर, ये सारे जगहों पे आपका सिल्क बहुत ही फेमस है। ओके, आप बात करोगे किसकी, बनारसी साड़ी। आपने नाम सुना होगा बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी फेमस है कहाँ पे, पता है, बनारस में। मेनली जो बनारसी साड़ी फेमस है वो है बनारस में फेमस। हाय ब्रिजेश, सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ जी, हाँ मैम, बनारस में, यस, बनारसी साड़ी बनारस में बहुत फेमस है। Yesterday I was waiting. Actually, मैं बीमार थी, I was not well since 2-3 days I was admitted. तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यू के कारण हम क्लासेस नहीं ले पाए थे 3-4 दिन, बट रिद्धि स्लो प्रोसेस में मैं रिकवर कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं रिकवर कर रही हूँ अपने क्लासेस फिर से स्केड्यूल कर रही हूँ। ओके, हाँ, जैसे पान आप बोल लो बनारस का बहुत फेमस है। चल,
नेक्स्ट इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करते हैं, उससे पहले बैचेस देख लेते हैं। तो बच्चा पार्टी आपका ओलंपिक्स बैच स्टार्ट हो चुका है 29 नवंबर से टिल द 15 जान तक ये कंटिन्यू होने वाली है। राहुल भाटी सर, विक्रम सर एंड प्रशांत सर आपके क्लासेस ले रहे हैं। क्लास 9th आपकी भी मिशन 2 बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। शानी मैम, आराधना मैम, नीलिमा मैम दैट इज मी एंड ऑल्सो अजीत सर आपके क्लासेस ले रहे हैं। मेरे क्लासेस का टाइमिंग है एवरी मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे 5:15 PM। ओके, चलिए नेक्स्ट जो आपका इंडस्ट्री आता है वो है जूट इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्या आता है? जूट इंडस्ट्री। इंडिया इज द टॉप मेकिंग कंट्री इन द जूट पॉपुलेशन। जूट का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा जूट का मतलब क्या होता है? जूते क्या होता है जूट का मतलब? रिड्यूस ईटिंग वड़ा पाव, ब्रिजेश जी आई एम नॉट लिविंग इन महाराष्ट्र दैट आई विल ईट दी वड़ा पाव। व्हाट डू यू मीन बाय जूट? जूटा जूटे में आता है। जूट क्या है? जूट क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय जूट? फैब्रिक। अच्छा, अच्छा आप एक बात बताओ, आपने कभी वीट देखा है? वीट वो जो येलो येलो कलर का रहता है जब ऐसा प्रोडक्शन होके आता है, तो वीट देखा है कभी? वीट जब पैक्ड होता है तो उसपे एक वो ना कोई प्लास्टिक के, हम उसे बोरा कहते हैं, प्लास्टिक के बैग में वो पैक नहीं होता है। वो वीट प्रोडक्शन होने के लिए, आटा बनने के लिए जब इंडस्ट्रीज में जाती है तो वो एक ब्राउन कलर के, ब्राउनिश कलर के बैग में पैक होता है। ब्राउनिश कलर के बैग में पैक होता है, कभी देखा है आपने? ऐसा रस्से जैसी रहती है, उसी से आपको मतलब वो बैग बनाया जाता है। बालों वाला गोनी, हाँ बालों वाला गोनी भी हम उसे कहते हैं। वो प्लास्टिक का नहीं होता है एक्चुअल में। जब वीट प्रोडक्शन होने के लिए वीट कल्टीवेट होके निकल जाता है ना, फिर हम इंडस्ट्रीज में देते हैं, तो वो प्लास्टिक में नहीं जाता है, वो एक रफ सा कपड़े में जाता है। कपड़े का बैग होता है एक ब्राउन कलर का, उसे हम लोग कहते हैं जूट इंडस्ट्री। और इंडिया ना जूट बनाने में सबसे ज्यादा आगे है, ठीक है? इंडिया में जूट का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। एंड ये प्रोडक्शन दैट इज की हम इसे सैक क्लोथ कहते हैं। कौन सा क्लोथ कहते हैं? सैक क्लोथ कहते हैं। ये और इसी से ना आपका रोप भी बनता है, हम कहते हैं ना रस्से, तो वो एक रस्से जो आपका बनता है, एक फैब्रिक का बनता है और एक सैक का रोप बनता है। दैट इज की जूट के रोप बनते हैं रस्से जैसे, उसे हम लोग कहते हैं दैट इज जूट इंडस्ट्री, वो उसे बनाती है। आलू कांदा वाला गोनी, परफेक्ट ब्रिजेश जी, कहीं कहीं तुम भी सही बोल रहे हो। आलू और कांदा वाला बोरी रहता है, उस पर ब्लैक ब्लू कलर का कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, वो ऐसा ब्राउन कलर का पूरा रहता है। एकदम करेक्ट ब्रिजेश। हेलो युवराज, परफेक्ट परफेक्ट। सो इंडिया जूट बनाने में सबसे आगे है बेटा। चलो अब हम नेक्स्ट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, दैट इज की हैंड क्लप्चरिंग। हैंड क्लप्चरिंग का मतलब क्या होता है? ये एक लेबर बनाता है, ठीक है? इससे कोई भी, अपने क्राफ्ट्स देखा है, आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हो, कहीं पे भी माउंटेन साइड चले जाओ या फिर कोई भी मंदिर साइड चले जाओ या फिर दिवाली के साइड, दिवाली में आप देखते होंगे कि लोग ना खुद से बना बना के, मतलब बहुत सारा आर्किटेक्ट बना बना के, क्राफ्ट्स बना बना के सेल करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हैंड स्कल्पचरिंग। क्या कहते हैं? हैंड स्कल्पचरिंग। जिसमें जैसे आप हमारे इधर जैसे दिल्ली हाट में ना बहुत दिल्ली हाट फेमस है हैंड स्कल्पचरिंग के लिए, मतलब यहाँ पे ना हाथ से बनाए हुए सामान ना बहुत ज़्यादा बिकते हैं,
मशीन से कम और हाथ से बनाए हुए ज्यादा दिल्ली हाट में आपको ज्यादा दिखेगा। ओके, जैसे आप जाते हो कहाँ पे, कोई भी फॉरेन टूर तो मैं नहीं बोल सकती, बट यस कोई भी इंडियन फोर्ट वोट के साइड आप चले जाओ, वहां पे देखोगे कोई भी ऐसा हैंड के थ्रू क्राफ्ट्स बना के सेल आउट करते हैं। वो जो सॉफ्ट टॉयज होता है, दो टाइप का सॉफ्ट टॉयज होता है, एक होता है कि मशीन में मेड होता है और एक सॉफ्ट टॉय होता है कि कोई भी हाथ से बना करके सेल आउट कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, हैंड स्कल्पचरिंग कहलाएगा। ओके, हाय स्वाति, मैम सेकेंड चैप्टर सिखाओ ना प्लीज, मेरी मंडे को एग्जाम है। सेकेंड चैप्टर कौन सा बच्चा, चैप्टर का नाम बताओ युवराज, सॉरी स्वाति। चलो नेक्स्ट इज कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या हो गया, इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीकल। ऑटोमोबाइल मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो गाड़ी वाड़ी जितनी भी बनती है, ये सब क्या है, ये आपके ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है, व्हीकल्स व्हीकल्स। तो इंडिया नंबर वन है आपके व्हीकल्स बनाने में। ऑल्सो व्हीकल्स आर एक्सपोर्टेड 40 कंट्रीज में इंडिया से व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट होकर के जाते हैं 40 कंट्रीज में। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज द नंबर वन इंडस्ट्री इन ऑफ इंडिया। नंबर वन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, सनराइज सेक्टर। आज के टाइम में भी ऑटोमोबाइल सबसे ज्यादा ग्रोथ पे है एंड हम उसे कहते हैं सनराइज सेक्टर। क्यों सनराइज, क्योंकि जब जागो सब सवेरा और इंडिया का ऑटोमोबाइल राइज कर रहा है, मतलब ग्रोथ दे रहा है। जैसे सन की राइज कितनी पावरफुल होती है, वैसे एक ऑटोमोबाइल पावरफुल बन के आया है और ग्रोथ दे रहा है इंडिया में इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ट्रैक्टर, इंडिया में ट्रैक्टर एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है, इंडिया में ही बनता है और सबसे ज्यादा फेमस भी है, एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर चाहिए। ऑल्सो 1/3 इज मैन्युफैक्चर्ड वर्ल्ड वाइड इन द प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ऑल्सो जितनी भी ट्रैक्टर बनती है ना, 1/3 इंडिया में ही बनती है, इंडिया से ही प्रोड्यूस होके जाती है। ऑल्सो जो ट्रैक्टर टर्की ट्रैक्टर कहाँ कहा जाता है पता है, ट्रैक्टर जो हम कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर में यूज होता है, जैसे आपके टर्की मलेशिया ये सारे कंट्रीज में नंबर ऑफ अमाउंट में जाते हैं इंडिया से एक्सपोर्ट हो करके। हुंडे ट्रैक्टर, परफेक्ट स्वराज ट्रैक्टर। स्वाति कौन सा चैप्टर बच्चा, देखो क्लास क्यों नहीं ले रही ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कुछ दिन तक मैं खुद क्लासेस नहीं ले रही थी तो मुझे आइडिया नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्री दैट इज की हाँ सीमेंट इंडस्ट्री। एज यू ऑल अंबुजा सीमेंट दैट इज की इंडियन इंडस्ट्री, इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ही फेमस है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रही है इंडिया में इन द मैन्युफैक्चर्ड फील्ड, इन द मैन्युफैक्चर्ड फील्ड। नेक्स्ट जो आपका इंडस्ट्री आता है लेदर का, लेदर इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, बिग इंडस्ट्री है और यहाँ पे आप देखते होंगे लेदर का सामान बहुत ही सेल आउट होता है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि लेदर इंडस्ट्री बहुत ही फेमस है इंडिया में। आप देखते हो ना अक्सर लोग लेदर का चीज पर पसंद करते हैं खरीदना, वुडलैंड के जूते हो गए या फिर कोई भी लेदर का बैग हो गया, स्कूल के टाइम में सबसे ज्यादा लेदर बैग, माँ बाप कहते थे क्या कि लेदर का बैग दोगे तो बच्चे फाड़ नहीं पाएंगे, लेदर का सामान दो फाड़ नहीं पाएंगे, वो फाड़ने के चक्कर में सबसे ज्यादा लेदर ही यूज होता था, स्कूल के बैग दो लेदर का दो तो लेदर के चक्कर में लेदर फटता नहीं जल्दी, इसकी वजह से लेदर बहुत ही फेमस है इंडिया में। सोर्सेस एंड हिस्ट्री, बेटा वो तो कंप्लीट हो चुका है ना, फर्स्ट टर्म का है वो, तो अभी हम सेकंड टर्म पढ़ रहे हैं, अभी फर्स्ट टर्म बीच में कैसे ला सकते हैं बच्चा। हम एक काम करेंगे उसके ऊपर, आपको आप एक बार रिवाइज कर लो एंड ऑल्सो नीलिमा रॉय का टेलीग्राम है आप वो ज्वाइन कर लो, आपको वहां पे मैं नोट शेयर कर दूंगी सोर्सेज इन हिस्ट्री का स्वाति। चलिए नेक्स्ट इंडस्ट्रीज जो आती है आपकी सॉल्ट इंडस्ट्री, नमक इंडस्ट्री। क्या आपके टूथपिक में नमक है,
पता है या नहीं है? तो नहीं है। सो इंडिया सॉल्ट में भी सबसे ज्यादा, सॉल्ट इंडस्ट्री में भी सबसे ज्यादा आगे है, आप ये कह सकते हो। सॉल्ट इंडिया में प्रोड्यूस होता है एनुअली 200 लाख टन्स, 200 लाख टन्स में आपका सॉल्ट प्रोड्यूस होता है इंडिया में। क्यों होता है? क्योंकि अरेबियन सी भी है खारा पानी, स्पेसिफिक ओशियन है खारा पानी, इंडियन ओशियन है खारा पानी, तो इंडिया के आसपास सी बहुत है जिसकी वजह से खारा पानी, अब खारा पानी है इवापोरेशन होगा, और इंडिया का जो बीच का पार्ट है लाई होता है, जैसे आपका कह सकते हो गुजरात की साइड, कच्छ कच्छ साइड, यहाँ पे क्या होता है धूप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, धूप ज्यादा होगा इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा तो पीछे सॉल्ट रिलीज करेगा, सॉल्ट रिलीज करेगा तो वो सॉल्ट कहाँ जाएगा? ह्यूमन के पास जाएगा, बिजनेस पर्पस पे जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में 200 लाख टन्स आपके एनुअली प्रोडक्शन होते हैं किसका? सॉल्ट का। ओके, एंड ऑल्सो आयोडाइज सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट होता है वो 60 लाख टन्स होता है, सबसे ज्यादा सॉल्ट होता है 200 लैक्स का, और आयोडाइज कितना होता है? 60 लाख टन्स का। हेलो चेतन, चलिए नेक्स्ट इंडस्ट्री देखेंगे, बाइसाइकल इंडस्ट्री, दो पहियों की इंडस्ट्री। हाँ, साइकिल्स हर कोई चलाता है, एक बच्चा बच्चा भी छोटा छोटा रहता है तो उसको भी साइकिल दिया जाता है। साइकिल सबसे ज्यादा इंडिया बनाता है। आप कह सकते हो कि बाइसाइकिल सब कौन से एरिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड होता है, तो वो है आपका पंजाब, तमिलनाडु, ये दो रीजन में बाइसाइकिल बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन पे होते हैं, दैट इज यहाँ पे बनाए जाते हैं, और आपके इंडिया से बाइसाइकिल प्रोड्यूस प्रोड्यूस हो करके एक्सपोर्ट होते हैं कौन सी कंट्री में? दैट इज निलग्रिया, मेक्सिको एंड केनिया एंड युगांडा, ऑल्सो इन ब्राजील, ये 5 कंट्री में तो सबसे ज्यादा इंडिया से बाइसाइकिल जाता है, और यहाँ के इंडियन बच्चे को साइकिल चलाना बहुत पसंद भी है, हर बच्चा, एक छोटा छोटा बच्चा भी साइकिल चलाना बहुत पसंद करता है। मैम आप कौन सा साइकिल चलाते थे? हम 2 पहिए के साइकिल चलाते थे, हमें भी चलाते थे और चलाते हैं। यस, साइकिल इंडिया का सबसे मस्ट है, और साइकिल इंडिया इसलिए बनाती भी है। आप देखने के लिए जाओगे ना, अगर एक पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया को जो चीज बहुत ज्यादा पसंद है ना, इंडिया वो बनाती भी बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉज एस्टेब्लिश टू गिव द इम्प्यूट्स ऑफ द इंटर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द रूरल एरिया। खादी और आपके जो विलेज इंडस्ट्री है ये भी बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड पे फेमस है इन द इंडिया। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि वो पीपल जो गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उनको क्या दिया जाए? इम्प्लॉयमेंट दिया जाए। आपने देखा होगा चाचा गांधी जी का, गांधी जी के पास क्या था? चक्रा था, तो वो चक्रा के थ्रू क्या कर, जैसे चक्रा के थ्रू बाकी लोगों को भी उन्होंने काम करना करने के लिए फोर्स किया, वैसे ही इंडिया में आपके इंडस्ट्रीज लाइक हैंडलूम इंडस्ट्री हो गया, हैंडक्राफ्ट हो गए, कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, दैट इज रुई की इंडस्ट्री, ये सब घर बैठ के भी कर सकते हैं लोग, तब जो भी विलेजेस में रहते हैं ना, ये अगर 4-5 लोगों का ग्रुप बन गया वो भी मिल करके कर सकते हैं। इसलिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री भी इंडिया में बहुत ही फेमस है। आप देखते होंगे जैसे अपना एक बाम्बू का बास्केट देखते होंगे, बाम्बू का बास्केट, बाम्बू का बास्केट आप अक्सर देखते होंगे, गांव साइड जाओगे ना आप विलेजेस साइड, तो वहां पे वो लोग बनाते रहते हैं, वो उनको एक एम्प्लॉयमेंट दिया है, मतलब उनको एक रोजगार है, वो उसके थ्रू काम करते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी के, आपने लकड़ी के बाइसाइकल्स भी देखे होंगे, तो वो जो वुडन के बाइसाइकल्स होते हैं वो अक्सर विलेजेस पीपल बनाते हैं। अब तो इंटरनेशनली यूज होने लगा है, मशीन भी प्रोड्यूस करती है, बट बेसिक मेन जो है वो विलेजेस पीपल ही बनाते हैं। बाद में रिकॉर्डेड, मैम रिकॉर्डेड सेशन नहीं मिल रहे। स्वाति एक्चुअल में वो जो अपना चैनल था ना स्कूल महाराष्ट्र बोर्ड, उसमें रिकॉर्डेड था, तो वो डिलीट हो गया है बच्चा। ठीक है,
चलो अब हम नेक्स्ट इंडस्ट्री देखते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। इंडिया क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर के लिए ही इंडिया मानी जाती है। आपका जो ये इंडस्ट्रीज जो स्टार्ट हुआ है इसका मेन बेस कहाँ से है? इसका मेन बेस है आपका एग्रीकल्चर, हमें सबको पता है, क्योंकि इंडिया को क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। सो मेनली जो एग्रीकल्चर परफॉर्म होते हैं एंड एग्रीकल्चर में जो हेल्प चाहिए वो क्या क्या चीजों का चाहिए? सबसे पहले बुलक, आपने सुना होगा, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी क्यों चाहिए? पहले के टाइम में क्योंकि मशीन हुआ करता था क्या? नहीं, ट्रैक्टर्स भी पहले नहीं हुआ करते थे, तो क्या हुआ करते थे? बैलगाड़ी हुआ करता था, बुलक कार्ट। बुलक के थ्रू हम क्या करते थे? एग्रीकल्चर को एडवर्टाइज करते थे। मैम चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री का आपने वीडियो बनाया है, चैप्टर नंबर 7 दैट इज द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हाँ वो बन गया है बेटा, वो ऑलरेडी है। सिक्स का किया हुआ है, सिक्स का एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सेवन वाला जो है ना आपका, वो इस वीक में हो जाएगा, इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में आपका हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमने दो चैप्टर, टर्म टू का चैप्टर नंबर 5 and 6 एंड सिविक्स का चैप्टर यूनाइटेड नेशन, ये सारी हमने कंप्लीट किया। ज्योग्राफी का भी हमने जो दो चैप्टर कंप्लीट किया है ऑफ टर्म टू। तो पहले हमने क्या किया, दो दो चैप्टर हर एक चीजों का कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट जो आपका होगा वो चैप्टर नंबर 7 ही होगा इन आफ्टर दिस चैप्टर। सो एग्रीकल्चर एज वी ऑल नो इंडिया का सबसे अच्छा एंड रिच इंडस्ट्री है। नेक्स्ट इज कि एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस प्रैक्टिसाइज होती है। मैनी वराइटीज लाइक अ क्रॉप आर ग्रोन, क्रॉप ग्रो होता है, जवार होते हैं, वीट होते हैं, राइस होते हैं, पल्सेस होते हैं, बहुत जितनी भी ग्रेन्स है वो इंडिया में नंबर ऑफ अमाउंट में होती है। एग्रीकल्चर नॉट ओनली द ग्रेन्स एंड पल्सेस बट ऑल्सो इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है वो फ्रूट्स के ऊपर बेस्ड रहता है। जैसे आपके गर्मी के सीजन में आप मैंगो खाते हो, लीची खाते हो, ये सब क्या है, फ्रूट्स है, सीजनली आते हैं। अभी जैसे विंटर के सीजन में ऑरेंज बहुत ही सेल, ऑरेंज आप देखोगे नंबर ऑफ अमाउंट पे ऑरेंज आप मार्केट में देखोगे, क्यों? क्योंकि ऑरेंज का ये सीजन है, यहाँ पे अभी ऑरेंज बहुत ही सेल आउट होते हैं, सब लोगों को ऑरेंज। जैसे आप कहोगे कि कुकुम्बर, बेसिकली आप देखोगे कहाँ पे, से समर के सीजन आएंगे उस टाइम में कुकुम्बर का ज्यादा सेल होना शुरू हो जाता है। तो इंडिया बेसिकली सीजन वाइज अपना वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें ग्रो करती है। ओके, नॉट ओनली दिस, ऑल्सो लोन भी प्रोवाइड करती है। अब हर एक फार्मर्स के पास एग्रीकल्चर करने के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए, ये नहीं क्या हम कहते हैं, पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि हर एग्रीकल्चर करने के लिए पैसे भी चाहिए। फाइनेंशियली उन्हें रूरल बैंक, जो आपके गांव विलेजेस का बैंक है ना, वो हेल्प करता है ग्रोथ करने में। लोन पे दिया जाता है, जैसे हम कहते हैं कृषि विभाग, कृषि विभाग होता है जो आपके जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए दिया जाता है लोन। तो वो लोन जो आपका है वो रूरल बैंक आपको देती है, ताकि आप क्या करो, अपना बिजनेस कर सको। एंड लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो आप देखोगे यूनिवर्सिटीज जो भी एग्रीकल्चर फील्ड में हैं बच्चे, वो जाते हैं गांव में, विजिट करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, एंड देन ग्रोथ बढ़ता है। अब बात आती है कि मैम सिर्फ और सिर्फ क्या एग्रीकल्चर में ही होता है, एग्रीकल्चर में सिर्फ फ्रूट्स पल्सेस यही सारी चीजें आती है? नो, एग्रीकल्चर ऑल्सो ऑक्यूपेशन एक हो जाता है, किसका, आपके एनिमल हस्बेंड्री का ऑक्यूपेशन हो जाता है। अब एनिमल हस्बेंड्री में जैसे पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गए, काउ हो गए, देन गोट फार्मिंग हो गए, देन आपके डेयरी फार्मिंग है, ये सब क्या है, इससे भी लोग बिजनेस करते हैं। एंड जैसे इंडिया को मिल वाइट रिवॉल्यूशन, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया था फॉर द एग्रीकल्चर, एंड वाइट रिवॉल्यूशन कहा गया था मिल्क के लिए, क्योंकि इंडिया में डेयरी फार्मिंग बहुत स्टार्टिंग से हुआ करता था, जिसके कारण से इंडिया को कहा गया था क्या, दैट इज की व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो जितनी भी आपकी एनिमल हस्बेंड्री वाली ऑक्यूपेशन है वो भी आपकी एग्रीकल्चर में आती है।
ओके, समर में ऑरेंज खाते हैं ब्रिजेश, समर में मैंगो खाते हैं, ठंडी में, विंटर में ऑरेंज होता है, अभी के सीजन में ऑरेंज होता है। चलो, सो इंडिया इज रैपिडली बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन द फूड ग्रेन। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन रहा है अपने फूड ग्रेन में, इन द फार्मिंग टेक्निक्स में एंड प्रोडक्शन में बन रहा है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस दी 1970 एक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी क्रिएट की है। अगर कोई भी फार्मर्स को इन द नॉट ओनली द फार्मर्स, कोई भी अगर मेडिसिन फील्ड में जा रहा है, फार्मास्यूटिकल्स में जा रहा है, या फिर पेपर इंडस्ट्रीज में हो, चाहे लेदर इंडस्ट्रीज में हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हो, फूड प्रोसेसिंग में हो, कोई भी टाइप का इंडस्ट्री है, उसे गवर्नमेंट क्या करती है, लोन देती है। लोन इसलिए देती है ताकि वो अपने इंडस्ट्री को ग्रो कर सके, सेल आउट होगा, प्रोडक्शन होगा, मार्केट में जाएगा, तभी तो फाइनेंशियली इंडिया ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट जो आपका इंडस्ट्री आता है वो होता है मिनरल इंडस्ट्री। आपका झारखंड बहुत ही माइनिंग के लिए फेमस है, कोल माइनिंग के लिए बहुत ही फेमस है झारखंड। तो आप ये कह सकते हो कि आपके आयरन कोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया को, गोल रहेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। बीच में आपने सुना था ब्लैकआउट का, क्या हुआ था इसमें, कोल की कमी हो गई थी। अब अगर कोयला नहीं रहेगा तो भैया आग कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएंगे। सो इंडिया ने एडॉप्ट किया आयरन को, मैग्नीशियम को, कोल को, मिनरल ऑयल्स को, ये सारे इंडस्ट्रीज को एडॉप्ट किए एंड इसे आप ग्रोथ पे ले जा रहे हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री इज द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज दैट मीन्स कि फॉरेस्ट के बेस पे, जैसे आपके बाम्बू ट्रीज, ये मैंगोज का ट्रीज, देन आपके होते हैं सीसम के ट्रीज, ये सारे ट्रीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रीज को कट करना सिर्फ ये नहीं होता है क्या कि कोई भी चीजें आप क्रिएट, सिर्फ आप चूल्हे में डाल रहे हो, खाना बना रहे हो, वो नहीं होता। ट्रीज का कट करना या फिर कॉमर्शियली पर्पस, वो नहीं होता। ट्रीज का कट करना मतलब कुछ भी, गुड्स भी बनाना भी होता है, या फिर पेपर्स बनाने भी होते हैं, सिल्क का भी काम होता है, न्यू प्रिंट का भी काम होता है, मैचेस का भी काम होता है, मेडिकल, बहुत सारे। हम जैसे अपने तुलसी के, तुलसी वाला प्लांट हो गया, नीम वाला प्लांट हो गया, एलोवेरा हो गया, ये सब क्या है, एक मेडिसिन के थ्रू काम आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। हनी ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, देन इसकी लेक्वर, देन ये सारे रॉ मटेरियल। एंड आप इस रॉ मटेरियल के थ्रू क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, देन इस आगे ग्रोथ होगा आपका, इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो गया, इंडिया इंडिया को क्या मिलेगा, फाइनेंशियल इकोनॉमिक सेक्टर में इंडिया ग्रो करेगा। नेक्स्ट जो आपकी इंडस्ट्रीज आती है, टिल नाउ इतनी ही इंडस्ट्री है, दैट इज 13-14 इंडस्ट्री है, वो है फॉरेस्ट रिसोर्सेस। सो एक आपका ऑफर है वो है बग्स बॉन्टी। बच्चा पार्टी, अगर आप बग्स बॉन्टी में कोई भी कंटेंट अगर इनअप्रोप्रिएट देखते हो तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपका रिपोर्ट एक जेन्युइन रिपोर्ट है तो आपको मिलेगा प्राइस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते फिशरीज। जैसे आपने देखा अभी पोल्ट्री वाला, देन आपने देखा डेयरी फार्मिंग, वैसे एक फिश पे भी है। फिश के थ्रू जैसे पॉन्ड्स में फिशेस ग्रो कर, फिशेस डालते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, लेक्स में फिशेस डाल करके उसे सेल आउट मार्केट में करते हैं, देन आपके कैनल्स में करते हैं, रिवर में करते हैं, ये भी एक टाइप का क्या है, बिजनेस है। टूरिज्म, कहीं भी आप चले जाओ घूमने के लिए, आपको हर एक जगह टूरिस्ट गाइडर मिलेगा, ये भी एक क्या है, एक बिजनेस है, ये भी एक इंडस्ट्रीज है। आप देखोगे कहीं पे भी घूमने के लिए जाओ तो टूरिस्ट पैकेज मिलेगा, क्या वो टूरिस्ट पैकेज मुफ्त में देते हैं क्या, नहीं, वो भी एक इंडस्ट्री है टूरिज्म में। नेक्स्ट आती है आपकी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो आपका होता है 1951 से ये स्टार्ट हुआ है प्लानिंग, कि इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उधर से प्रोडक्शन होकर के गुड्स आ रही है, या फिर बाहर से अगर रॉ मटेरियल आ रहा है तो इधर इंपोर्ट हो रहा है, दैट इज इधर इंडिया में प्रोडक्शन हो रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट, दैट इज की फॉरेन ट्रेड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंडस्ट्रीज ग्रोथ में। जैसे टी, इंडिया में आप तमिल साइड चले जाओ, जैसे कॉफी तमिलनाडु में बहुत फेमस है ग्रोथ में, तो वहां पे क्या इंडिया के लोग ही सिर्फ कॉफी पी सकते हैं, एक्सपोर्ट होता है अदर कंट्रीज में, एंड देन आप क्या कहोगे
वहाँ के भी लोग इसे अडॉप्ट करते हैं एंड देन यूज करते हैं, उससे फाइनेंशियली ग्रो हो रहा है इंडिया। कॉफी, आपने ब्राजील का पढ़ा होगा, ब्राजील में कॉफी बहुत फेमस है। क्या कहते हैं, कॉफी पॉट उसे कहा जाता है, एंड ब्राजील से एक्सपोर्ट होकर के आता है इंडिया में। ओके, तो जितने भी आपके ऑर्नामेंट्स हो गए, लेदर हो गए, टेक्सटाइल हो गई, कॉटन हो गई, ये सारी चीजें इंडिया में अगर बन रही है तो बाहर एक्सपोर्ट होगी, अगर बाहर बन रही है तो इंडिया में इंपोर्ट होगी। ओके, सो बच्चा पार्टी, यहां तक था आपका टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। लेट्स सी सम सब्सक्रिप्शन फीचर्स। देर आर टोटल 10 फीचर्स। पहला, आप कंफर्ट जोन में पढ़ सकते हो घर पे बैठ के। दूसरा, अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हो, दैट इज ऑल दी कोर्सेज का एक्सेस आप हायर कर सकते हो, टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशन है आपके पास, एग्जीक्यूटिव कवरेज है फुल सिलेबस का, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस है आपके पास, स्टडी मटेरियल आपको दी जाती है, प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिया जाता है, लाइव प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया जाता है, बैचेस में भी पढ़ाया जाता है। इतने मस्त मस्त फीचर्स है, डोंट मिस दिस ऑल। ये आपको प्लस के क्लासेस पे मिलती है, YT पे भी मिलती है, एंड ऑल्सो स्पेशल क्लासेस पे भी मिलती है। प्लस के क्लासेस में आप रेज हैंड करके बात कर सकते हो टीचर से, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। डोंट मिस ऑल ऑफ दिस। तो ये रहे आपके सब्सक्रिप्शन फीस के प्लान्स, ऑफर्स। अगर आप 3 मंथ 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 मंथ का फ्री आपको मिलेगा। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 मंथ आपको फ्री मिलेगा। 10% डिस्काउंट लेने के लिए आप कोड को यूज कर सकते हो, दैट इज NILIMA10, NILIMA10। सब्सक्रिप्शन फीस का चार्ट ये रहा। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 1000, बट वेन यू विल पुट द कोड NILIMA10, आपका 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा, 900 पर मंथ। That means कि 10% डिस्काउंट। सो बच्चा पार्टी, डोंट मिस इट, योर आप मिस मत करो। मेंटी है क्या? नहीं, मेंटी आज नहीं है, आज तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल आप आओगे, कल हम मेंटी ले लेंगे या फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, तो कल आप मुझे बताओगे कि मैम मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछोगे। ओके, चलिए। सो स्पेशल क्लासेस का फीचर्स क्या क्या है? रियल टाइम इंटरेक्शन होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, पोल्स होते हैं, क्विज होती है, क्विज होंगी तो लीडर बोर्ड भी होगा, लीडर बोर्ड होगा तो सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सो बच्चा पार्टी, डोंट मिस दिस ऑल अपॉर्चुनिटीज। चलिए, अगर आपको कोई डाउट है तो कल आप मुझसे मिलोगे, पूछोगे, पढ़ के आना चैप्टर, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, पढ़ के आना। कुछ नहीं है चैप्टर में, सिर्फ इंडस्ट्रीज बताया कितने टाइप्स की इंडस्ट्री है और काम क्या है, तो पढ़ के आना। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दी क्लासेस। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हिट कर देना लाइक, एंड शेयर करो अपने दोस्तों को, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। चलो, बाय बाय।